नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे बोले हिंदुस्तान में वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट बांटने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर शिकंजा कस दिया और साथ ही कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार UGC AICTE छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन के साथ ही मेट्स यूनिवर्सिटी और ISBM को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। देखिए कुछ खास रिपोर्ट। रायपुर स्थित RTI कार्यकर्ता डॉक्टर संजीव अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मेट यूनिवर्सिटी और IBSM यूनिवर्सिटी में बिना एडमिशन के फर्जी सर्टिफिकेट बांटने का काम चल रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि इसमें दोनों विश्वविद्यालय प्रबंधन की मिलीभगत है और उन्होंने RTI से मिली जानकारी का भी हवाला दिया है। कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी को DCA की मार्क लिस्ट भी जारी कर दी है और उन्होंने RTI के तहत दस्तावेज एकत्र किए हैं, जिसके अनुसार कैदी बलराम साहू को 29 जनवरी 2014 को दोषी ठहराया गया था और उन्हें 14 अगस्त 2019 को रिहा कर दिया गया था। जेल से बाहर आने से पहले ही विश्वविद्यालय ने 29 अगस्त को कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया था और 18 जिसमें कि वो पहले भाग में आए, उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत की थी जिस पर कि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि RTI कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री बांटने का खेल चल रहा है और उच्च शिक्षा जैसे संस्थानों में इस तरह की गड़बड़ी को रोकना आवश्यक है, अन्यथा राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है और उन्होंने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और ऐसी फर्जी डिग्री बांटने वाले विश्वविद्यालय को बंद करने की मांग की है। तो ये थी बुलंदिस्तान की कुछ खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रही बुलंदिस्तान के साथ।